गाइस, ये है MG मामू की एक गाड़ी जो मामू के पास तैयार होने के लिए आई है। ये गाड़ी जो है अभी एडिशनल रनिंग पर चल रही है, पूरी तैयार हो रही है। इसका इंजन भी मामू ने ओपन किया हुआ है और ये इसकी नई पेंट जॉब हुई है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो इंजन है वो भी कंप्लीटली ब्रांड न्यू कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जरा ये रेडिएटर का चेक करो। हाँ, ये रेडिएटर दिखाओ। कूलिंग फैन और रेडिएटर, और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा अल्ट्रेट इलेक्ट्रिक फैन भी लगाया इसके आगे। आगे गाड़ी ठंडी रहे, सही है। अभी इसको हमने एडिशनल रनिंग पे लगाया हुआ क्योंकि जनरल ओवरऑल हुआ है, ये सही है, ठीक है। अभी इसकी रनिंग हो रही है, बाद में फिर इसका हम आपको राउंड ट्राई भी करा देंगे, सही है। इसके अंदर ये हमने एक एक्स्ट्रा पावर बोतल भी लगाई है पानी वाली, पहले इसमें होती थी ये जेन्युइन, इसको पंप करते थे तो फिर स्क्रीन पे शावर होता है, लेकिन ये पंप ठीक नहीं वर्क कर रहा, इसलिए हमने मोटर वाली न्यू मॉडल वाली लगा दी इसको शावर में। ये इसमें हमने ड्राई बैटरी रखी है और इसके साथ है ये इसका हीटर कॉइल, ठीक है। ये इसका है ब्लोअर पाइप, ब्लोअर पाइप, सही है। ये इसमें भी डबल कार्बोरेटर है, ठीक है, और ये डबल एयर क्लीनर, लेकिन ये हमने इसका फ्यूल इतना सेट किया है कि 10 किलोमीटर एवरेज देगी। 10 किलोमीटर एवरेज, वेरी नाइस। पर लीटर, पर लीटर। ये इसके मिरर, जेन्युइन ओरिजिनल साइड मिरर। कन्वर्टेबल छत, कन्वर्टेबल। ये इसके नीचे हुक लगे हुए हैं, इसके साथ क्लिक हो जाती है। ये इसके यहाँ से क्लिक हो जाती है, जबरदस्त। और इसका नाम ये है मिडगेट। लॉक हो गया खुद ही, इसको हम यूँ करके पुश करेंगे फिर ये नीचे आएगा इसको ऑटोमेटिक। अभी हमने इसके शीशे नहीं लगाए ताकि कोई डैमेज ना कर दे, ये सबसे लास्ट पे लगाएंगे। ये इसकी स्पेयर व्हील की जगह, इसका ओल्ड रेडियो टॉप ही है, इसमें न्यू मॉडल का लगाएंगे रेडियो। ये इसका फ्यूल फिलिंग पेट्रोल पम्प, फ्यूल फिलिंग टैंक, ठीक है। ये इसका पाइप जा रहा है, इसके नीचे इसकी टैंक है, फ्यूल टैंक नीचे। ये इसका स्पेयर व्हील के लिए जगह बनाई है, ठीक है। और ये इसको यहाँ से क्लिक किया और ये इसको लॉक कर दिया। बाकी इसका विकी वायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको ये गाड़ी दिखाएंगे ट्रैम्प जब ये पूरी रेडी हो जाएगी। अभी ये इसका इंजन ओवरऑल हो रहा है, डेंडिंग वेंडिंग हो गई है, फिर उसके बाद रेडी आपको ये दिखाएंगे। अभी इसमें हमने व्हील शील्ड वायर व्हील वाले लगा दिए हैं, सस्पेंशन हो गई है, इंजन ओवरऑल हो जाएगा, फिर हम इसको रेडी करेंगे। डरता कौन है?
2. Welcome back to the channel. You're watching Danu Hamo. तो आज हम आए हैं आर्य बाजार, अपने कुछ काम थे हमने जो को पूरे करने थे, और हमने सोचा अपने मामू से भी मुलाकात कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर भी आए हैं, तो हमने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। तो मेरा डेयर ये है हमजा भाई के साथ कि वहाँ पे कैमल है, तीन कैमल है, एक नहीं है तीन है, वो भी बड़े बड़े बिल्कुल, तो उसको जाके हाथ लगा कर आना है, सही है। वैसे हमने पहले हाथ लगाया हुआ है जब हम मदीना में थे, लेकिन अभी ये चैलेंज हम कर रहे हैं, कैमल वीडियो पार्ट 2 है, बिल्कुल लेट्स गो। चलो हमजा भाई जाओ। क्या लगता है गाइस, लगा लिया हाथ भैया जी, लगा लिया। इट्स गोइंग फॉर द सेकेंड वन। अच्छा, वो दूसरे कैमल की भी सोच रहा है, ये मक्खियाँ मक्खियाँ रंग कर रही हैं। अच्छा नहीं यार, वो तो मुंह खोल रहा है अपना। वाओ, दैट्स लगता है गुस्से में ये बंदा। ऑलराइट, ओ इसको हाथ लगा लिया, इसने कुछ नहीं कहा, वो पीछे मुड़ के देख रहा है ये कौन था। ओके आ जाओ भैया जी, नाइस, वेल डन। मैंने अभी दो कैमल को हाथ लगाया क्योंकि जो सेंटर वाला जो कैमल है ना, वो चक्की काट रहा है, यानी दांत काट रहा है, वो थोड़ा गुस्से वाला है। okay. और ये वाला था, ये थोड़ा डरपोक था, लेकिन वो वाला बहुत अग्रेसिव है, वो हम मुझे अपने मसूड़े भी खा रहा है, दांत भी नहीं है उसके। सो गाइस, अभी हम आर्य बाजार की कोई ऐसी गली में आए हैं जहाँ पर ढेर सारी गायें हैं, तो हमें इनसे बेसिकली बहुत डर लगता है, तो हम भाग कर वहाँ सीधा जाएंगे। सही है, आप अब देखें सिनेमैटिक शॉट, लेट्स गो। ओ ये बहुत ही बढ़िया, भाग जल्दी भाग, मैं जीत गया।